My name is Sarika. Welcome to James International School. Today I'll explain in Maths Magic Workbook. Standard first. Open a Maths Magic Workbook. In last video, I have completed heaviest, long, and lightest. I have completed page number 137 to 145 in homework. Okay. Have you done the homework? Okay. So today I will complete this. Next, I will teach you activities. Number one, teacher will teach the student to measure length by non-standard unit like finger, span, arm, foot, step and etc. मतलब फिंगर से आपको माप लेना, थ्री फिंगर्स के माप से, या ऐसा पाम, इसको पाम बोलते पंजा, या फिर आर्म से लंबाई करना है तो आप कैसे करोगे, आर्म से करोगे. ओके, फुट से आप क्या करोगे, लेंथ लोगे, कितना है कितना नहीं. और ये स्टेप, एक एक स्टेप का गार्डन में जो हम स्टेप से हम लोग करेंगे, एक दो तीन, एक फुट दो फुट तीन फुट बोलते हैं ऐसा, ये स्टेप वाइज. ओके, तो टीचर विल टीच द स्टूडेंट टू मेजर लेंथ बाय स्टैंडर्ड यूनिट लाइक सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. और स्केल से हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर. स्केल पे क्या लिखा था, सी एम लिखा था, सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये देखो, ये मैथ स्टिक कितना मीटर है, वो कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है. मैथ स्टिक अगर हम करते तो कितना सेंटीमीटर, 0 से 4 क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर. तो आंसर आएगा आपका 4 सेंटीमीटर. ऐसा मीटर से मेजर करना है आपको, तो इसी तरह से ये करना है आपको. नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. टीचर और पेरेंट्स विल आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासरूम, होम और प्लेग्राउंड. ठीक है, कोई भी हो सकता है, या तो होम का हो सकता है, घर का माप लेना है, या तो प्लेग्राउंड आप जहाँ खेलने जाते हैं उसका, या फिर ब्लैक बोर्ड का, टेबल का, बेंच का, जो भी है वो. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्पैन इज द लेंथ ऑफ द टेबल. अब स्पैन बोले तो ये कितना पंजा होता है देखने का, अब छोटे बच्चों का कितना पंजा होगा, 5. कितना होगा ये, 5 होगा, तो ये आएगा 5 आंसर. ओके, या फिर 5. नंबर 2, हाउ मैनी स्पैन इज द लेंथ ऑफ द बुक. अब बुक क्या लेंथ कितना है, वो भी हम पंजे से मापते हैं, ऐसा 1, 2 ऐसा. ओके, तो यह आएगा 3. ठीक है ना. अब क्वेश्चन 4, 3, हाउ मैनी स्पैन इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल. अब पेंसिल के लेंथ कितना होगा, स्पाम से करेंगे तो 1 ही हो सकता है, 1 या 2 हो सकता है. ठीक है ना, 2 हो सकता है, 2. ओके, अब हाउ मैनी फीट इज़ द लेंथ ऑफ द क्लासरूम. अब क्लासरूम कितने फीट का होगा वो तो हमको मालूम नहीं, जब हम मेजर करेंगे तो पता चलेगा हमको. तो कितना है यहाँ पे, 15 होगा. ओके, हाउ मैनी फीट इज़ द लेंथ ऑफ द रूम इन द होम. अब आपके घर में कितना फीट होता है आप चेक करना, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर लिखा, यहाँ पे मैंने 15 लिखा है. ठीक है, अब नेक्स्ट, हाउ मैनी फीट इज़ द लेंथ ऑफ द कारपेट. अब कारपेट मतलब चटाई, या फिर सर हम बिछाते कारपेट हो, आप जो भी हो सकता है, मैट नहीं, कारपेट का क्या लेंथ है देखने का हमको, तो होगा 20 होगा शायद, तो 20. हाउ मैनी फीट इज़ द लेंथ बिटवीन द 2 trees ऑन द ग्राउंड. अब 2 trees के बीच में कितना लेंथ है, कितना डिस्टेंट है वो देखना है हमको, 15. हाउ मैनी पेंसिल इज़ द मेजर ऑफ ए ब्लैक बोर्ड. अब पेंसिल से मेजर करेंगे तो ब्लैक बोर्ड कितना होगा, 10 सेंटीमीटर. हाउ मैनी पेंसिल इज द मेजर ऑफ द बेंच. अब बेंच को मेजर कर दो पेंसिल से कितना होगा, 10 बार जब हम पेंसिल रखेंगे तब वो मेजरमेंट आएगा हमको. हाउ मैनी पेंसिल्स इज द मेजर ऑफ द स्कूल बैग. स्कूल बैग का कितना मेजर है, 5. हाउ मैनी डंडास इज द मेजर ऑफ द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में हम जब माप लेते हैं डंडे से तो कितना डंडे होते हो, 20 हो गया. ओके, ऐसे. ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ऐसा हम गिनते हैं, इसको मेजरमेंट बोलते, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर. ऐसे 5 सेंटीमीटर, 5 मेजरमेंट करना है तो आपको cm, सब में 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऐसा लिखना है, जितना भी होगा, 20 सेंटीमीटर, 15, 10, 10, ये भी 10 सेंटीमीटर.
5 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ओके। अब ये टीचर्स विल कॉल सम स्टूडेंट एंड मेक देम स्टैंड स्ट्रेट टचिंग द वॉल मेजर द हाइट्स। अब ये हाइट मेजर करने का है, किसका हाइट कितना है करके, जो लंबा है सबसे वो रवि है, उसके बाद थोड़ा छोटा सोनू, फिर उसके बाद उषा, फिर उमा, फिर उमंग और ये प्रिया। ये मेजर किया हाइट पर, देखा है किसका कितना है करके, ठीक है। अब ये टीचर विल गिव वाइट कार्ड पेपर एंड सम कलरफुल पेपर्स टू द स्टूडेंट्स टू मेक देम कट द पेपर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। अभी थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, उससे छोटा, फिर बड़ा, ऐसा शॉर्टेस्ट शॉर्टर, ऐसा लॉन्गेस्ट लॉन्गर शॉर्टर, ये सब हमको कार्ड पेपर काट के चिपकाना है एक ब्लैक कार्ड पेपर पे, ओके। होमवर्क नंबर वन, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट टिक फॉर द लॉन्गेस्ट नेक। करेक्ट किसको करने का, लॉन्ग नेक को, और रॉन्ग किसको करने का, शॉर्टेस्ट नेक को, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये क्या है, स्वान डक, और ये क्या है, बर्ड। तो तीनों में से कौन सा है, ये वाला लॉन्गेस्ट नेक वाला है, तो इसको टिक करो। और सबसे छोटा कौन सा है, ये डक, तो इसको डकलिंग है, तो इसको रॉन्ग करो। अभी नंबर टू, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फील रेड कलर। अब रेड कलर किसमें, लॉन्गेस्ट में रेड कलर। अब तीन रिबन है यहाँ पे, सबसे बड़ा रिबन कौन सा है, बीच वाला, मिडल वाला, तो इसको क्या करेंगे, हम रेड कलर करेंगे। और सबसे छोटा कौन सा है, ब्लू वाला, या उसको ब्लू कलर करेंगे, ठीक है। नंबर थ्री, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फील रेड कलर इन द थिकेस्ट कैरेट एंड येलो कलर इन द थिनेस्ट कैरेट। तो आप देखो, सबसे मजबूत कैरेट कौन सा है, हैवी, ये वाला थिकेस्ट रेड कलर, इसमें रेड कलर करना आप। और सबसे पतला कौन सा, ये थिनेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो इसमें आएगा येलो कलर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फोर, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द टॉलेस्ट एंड लॉन्ग फॉर द शॉर्टेस्ट। अभी देखो, लॉन्ग लंबा कौन है तीनों में से, ये फादर, तो इसको आएगा टिक। और छोटा कौन सा है सबसे, चाइल्ड, तो आएगा रॉन्ग, ठीक है। अभी क्वेश्चन फाइव, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट टिक फॉर द हैवीएस्ट एंड रॉन्ग फॉर द लाइटेस्ट। अब सबसे मजबूत कौन सा है, हैवी कौन सा है, वजन वाला, बैग। और सबसे छोटा हल्का फुल्का कौन सा है, फेदर, पीछे, तो यह आएगा रॉन्ग। मेजर द गिवन ऑब्जेक्ट एज पर एग्जाम्पल एंड राइट द आंसर। अब देखो, मेजर करना है स्केल से हमको, एग्जाम्पल दिया पहले वाला, कितना सेंटीमीटर है पेंसिल, तो जीरो पे रख के कहाँ तक का है सेंटीमीटर पॉइंट, कहाँ तक का है, एट नंबर तक का, तो कितना हुआ, एट सेंटीमीटर, ये पेंसिल कितना है, एट सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट, ये है बड़ा पेंसिल। अब बड़ा पेंसिल कौन से सेंटीमीटर पे, देखो ऐसे करने से 10.5 सेंटीमीटर, तो यह आएगा 10.5 सेंटीमीटर। ऐसा आपको माप लेना है, मेजर लेना है स्केल से, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट, अब ये देखो नाइफ। अब नाइफ कितना सेंटीमीटर है, 11, तो यह आएगा 11.5 सेंटीमीटर। अब ये देखो मैस्टिक, ये 4.3 सेंटीमीटर, थोड़ा सा आगे है, तो यह आएगा 4.3 सेंटीमीटर। अब ये देखो ब्रश, पेंट ब्रश, कहाँ पे, जीरो से कहाँ पर आया, ये 13.5 सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है, 13.5 सेंटीमीटर। अब ये देखो नया गम स्टिक, कहाँ पर है, ये आएगा 9.5 सेंटीमीटर, कितना है, 9.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये पेज अपना कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 151। अब ये नया चैप्टर है इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट पेज से 147 to 151 in homework, है ना, ठीक है, homework में करना है। तो मैं क्या बोल रही थी आपको, फिर से एक बार बोलती हूँ,
या फिर घर पे अपने घर का मेजर लेके आप यहाँ पे लिखो। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपना पाम रख के आप कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आज हम कंप्लीट करते हैं पेज नंबर 147 to 151 इन होमवर्क। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।